व्हाट्सअप गाइस, इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डांस स्टेप लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 5 स्टेप सिखाऊंगा। पांचों स्टेप बहुत ही दमदार है, लेकिन जो पांचवा स्टेप है, जो लास्ट वाला स्टेप है, वो बहुत ज़्यादा दमदार है। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप वो वाला स्टेप कहीं पर भी नहीं देखे होंगे। और इतना आसान है, सीखने के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। एक ही बार पांचवा स्टेप देखेंगे, आप सीख जाएंगे। तो आपने वीडियो देखना शुरू कर चुका है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो दोस्तों आपको दूसरे वीडियो में नहीं मिलेगा। बहुत कम ही लोग ऐसा बताए होंगे जो कि आप भी देख रहे हैं ये वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो दोस्तों आप दोबारा रिपीट करके देखिएगा, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों एक और एडवांस तरीका है जिसकी मदद से आप तुरंत डांस स्टेप सीख जाएंगे, वो है दोस्तों आप जो अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे होंगे, पीसी पर देख रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, उठ जाना है, खड़े हो जाना है और हमारे साथ करिएगा, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर आप हमारे साथ करते हैं तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, मतलब कि 100% समझ में आ जाएगा। अगर नहीं करते तो 80% लगभग आपको समझ में आ जाएगा, बाद में कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से आपको देखना होगा। तो पहले स्टेप को बढ़ते हैं। पहला स्टेप बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आपने कहीं पर भी देखा होगा और करने की कोशिश भी की होगी। तो सबसे पहले आपको दोनों पैरों को पैलर पे कर लेना सेम, ओके। यहाँ पर आपको इसको उठा लेना, राइट पैर को, पंजे को उठाना है और इस तरफ करना है, ओके। ये आपको ये करना है और यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़ एड़े पर रहना चाहिए, ओके। पोजिशन ये उठाना है और ये करना है, परफेक्ट। अब आपको इसको रख देना नीचे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये उठाना है लेफ्ट पैर, लेफ्ट पैर जब उठाएंगे एड़ी वाला आपको उठाना है, पंजे को नीचे रखना है, ओके। ये अब आपको ये करना है, ये यही स्टेप आपको साथ में करना है, मतलब कि दोनों को साथ में करना है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पहले तो ये उठाएंगे और ये उठाएंगे और ये करेंगे, ओके। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही फेमस स्टेप है। तो एक बार मैं फिर से कर लेता हूँ, पंजा उठा और एड़े उठा, ये करना है, फिर वापस रखना है, ओके। अब यही चीज़ आपको लेफ्ट साइड करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको लेफ्ट साइड में अपोजिट करना है, इसको उठाना है और पंजे को लेफ्ट साइड उठाना है और राइट पे आपको एड़े को उठाना है, ओके। ये करना है, जब आप उठाएंगे साथ में आपको ये किक करना है, दोनों पैर से लेफ्ट साइड पे किक करेंगे, बहुत ही सिंपल है ये, ओके। अब आपको चेंज करना है, चेंज करने के बाद तुरंत किक करना है और तुरंत इस तरह करना है, ओके, राइट साइड की तरफ ये, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत ही सिंपल है, आप भी सीख चुके होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की ओर। और दूसरा स्टेप इससे भी आसान है, लेकिन ये साउथ का स्टेप है। साउथ का स्टेप आप जानते ही हैं कैसा रहता है, थोड़ा सा टफ रहता है लेकिन मज़ा बहुत ही आता है देखने में। उसमें स्टेप ज़्यादा फुटवर्क स्टेप ज़्यादा रहते हैं, पैरों से ज़्यादा होता है स्टेप। तो आपने अल्लू अर्जुन को देखा होगा किसी सॉन्ग में ये वाला स्टेप करते हुए, बहुत ही पुराना स्टेप है लेकिन साउथ में बहुत कम लोग देखते हैं, इंडिया के लोग, तो इसलिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, सिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको दोनों पैरों को इस तरह फैला लेना है, ओके। लेफ्ट पैर दे सकते हैं, आपको यहाँ पर लाना है और राइट पैर पीछे ले जाना है। अब बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, लेकिन यही चीज़ आपको जंप करके करना है। जंप करके कैसे, ये ओके, यहाँ पर थे पोजिशन, पैरों को ये फैलाएंगे, जंप करके ये करेंगे, उसके बाद आपको राइट पैर से किक करना है। जब किक करेंगे तब फिर से वही पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब कि ये है पोजीशन, यहाँ पर आ गए हैं और जब किक करेंगे फिर से वापस चले जाएंगे, लेफ्ट पैर फिर से वहीं पर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर करेंगे स्टार्ट, साथ में करिएगा और दमदार लगेगा और समझ में जल्दी भी आएगा। तो क्या करना है आपको, ये जंप करके और ये किक, परफेक्ट। अब दोस्तों आपको यही चीज़ लेफ्ट साइड करना है, एक बार राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, मज़ा आएगा। स्ट्रेट रखेंगे, किक स्ट्रेट, किक स्ट्रेट, किक। अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की ओर। तीसरा स्टेप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आप मेरे साथ करिएगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ये पोजीशन ले लेना है, परफेक्ट। राइट पैर पीछे आएगा लेफ्ट साइड की तरफ, ओके,
उसके बाद लेफ्ट पैर उठा के आपको राइट साइड के पीछे करना है और ये किक करना है, ओके, पीछे रखना है। परफेक्ट, यहाँ तक समझ में आ गया क्या करना है। पहले तो पीछे ले आना है इस पैर को, उसके बाद इस पैर को उसके पीछे 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 आपको करना है। तो ये पीछे गया और ये पीछे गया और ये किक गया, ओके। सिंपल है दोस्तों, मैं आपको जो तरीका बताता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ, कोई भी सीख सकता है। जैसे कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप भी सीख जाएंगे। तो क्या करना है, ये पीछे गया, किक करना है, ओके, बहुत ही सिंपल है। अब इसके आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। पीछे पीछे किक रखना है, फिर से यहाँ पीछे ले जाना है इस पैर के, और फिर से इस पैर के पीछे ले जाना है, किक करना है, ओके। बहुत ही सिंपल है, कोई भी कर सकता है दोस्तों। तो मैं एक बार फिर से, ये गया ये गया ये, यहाँ रखिएगा, ये गया ये गया ये, ओके। तो एक बार फास्ट मैं थोड़ा फास्ट करके दिखा देता हूँ ताकि स्टेप इंटरेस्टिंग लगे। स्लो में इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, मतलब कि स्लो में जब मैं करता हूँ समझाता हूँ उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, लेकिन जब मैं फास्ट करता हूँ और भी इंटरेस्टिंग लगता है। ये गया ये गया ये, ओके। और जो चौथा स्टेप है ये है स्लाइड, कैसे आप एक जगह से दूसरी जगह स्लाइड करेंगे। मैंने इसका एक मतलब कि अलग से वीडियो बनाया है दोस्तों, आप शायद देखे भी होंगे दोस्तों, तो आपको फिर से देख लेना है और भी अच्छे तरीके से सीख लेना है। तो सीखने में क्या जाता है दोस्तों, आप वीडियो देख रहे हैं तो सीख भी लीजिए। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर ख़त्म करूँगा। स्लाइड तो वहीं से स्टार्ट होता है और ख़त्म भी यहीं पर होता है, मतलब कि इस स्टेप को आपको करने में थोड़ी सी जगह चाहिए। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, ओके। यहाँ पर आपको ये पोजीशन ले लेना है और राइट पैर दे सकते हैं, आपको ये करना है, यहाँ से उठाना है, ये करना है, एड़ी वहीं रहेगा, पंजा चेंज होगा, ओके। यहाँ पर ये गया, चेंज हुआ, और उसके बाद आपको ये कर लेना है पोजीशन। अब यहाँ पर आपको जो आप खड़े हैं इस पैर से, आपको इस पैर से खड़े हो जाना है, मतलब कि पंजे के बल आपको थोड़ी देर खड़े हो जाना, और लेफ्ट पैर को आपको थोड़ा सा स्लाइड कर लेना है, ये करना है, ओके। यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ओके। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये गया ये गया ये, यहीं पर ख़त्म हो जाएगा स्लाइड करने के बाद, ओके। जब मैं यहाँ से वहाँ तक करके दिखाऊंगा तो दोस्तों देखिए कितना गजब का लगता है, ओके। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और ये गया ये गया ये, यहाँ पर आपको फिर से वही पोजिशन कर लेना है, और यहाँ पर दे सकते हैं, ये मेरा पैर जा रहा है, यहाँ पर फिर से ऊपर गया, फिर से ये चेंज हुआ, और लेफ्ट पैर दे सकते हैं, यहाँ पोजीशन हो गया, फिर से ये जाएगा राइट पैर और इसके ऊपर जाएगा, और ये कर लेना है। परफेक्ट, मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको अच्छे से समझा देता हूँ ताकि दोस्तों जब मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सीख भी लीजिएगा अच्छे से, ओके। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो सबसे पहले ये गया और ये, ओके। बहुत ही मैं स्लो करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि दोस्तों आप देख कर भी समझ सकें कैसे मैं ये स्लाइड कर रहा हूँ, ओके। एक बार मैं फास्ट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मज़ा आ जाए, क्योंकि मज़ा भी आना ज़रूरी है, ओके। यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने ये फास्ट तरीके से किया है। तो स्लो में मैंने आपको समझा दिया, फास्ट भी समझा दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि फाइनल स्टेप है, और इससे आसान स्टेप और इससे आसान समझाने वाला व्यक्ति आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो सबसे पहले ये पोजीशन कर लेना है और ये किक करना है आपको, ये, ओके। यहाँ पर थे, राइट पैर को यहाँ आगे की तरफ करेंगे, लेफ्ट पैर हल्का सा पीछे करेंगे, परफेक्ट। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये पोजीशन करते हैं तो ज़्यादा आपको नज़र आता है, ओके। यहाँ से मैं किक करता हूँ, परफेक्ट। अब यहाँ से मुझे चेंज करना है, लेकिन राइट पैर दे सकते हैं, आपको यहाँ पर लाना है और लेफ्ट पैर ये हो जाएगा पोजीशन, ओके, परफेक्ट। यहाँ पर थे, ये, परफेक्ट। अब आपको ये देख सकते हैं, लेफ्ट पैर सामने की तरफ किक करना है और राइट पैर पीछे की तरफ ले जाना है, ओके। यहाँ पर हम थे, ये, उसके बाद फिर से आपको चेंज कर लेना है, राइट पैर सामने की तरफ ले जाएंगे सीधा और लेफ्ट पैर मोड़ लेंगे जैसे पोजीशन था, ये जो भी करेंगे जंप करके करना है आपको, परफेक्ट। यहाँ पर फिर से मैं कर लेता हूँ, ये, ओके, ये गया ये गया ये ये, जब आप स्पीड में करेंगे
डांस स्टेप को तो और भी अच्छा लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कौन सा स्टेप आपको पसंद आया नीचे कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, वहाँ पर भी मैं एक्टिव रहता हूँ। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।